थोड़ा सा एक सवाल था कि कहीं मनु भाई आपसे जबरदस्ती ब्लॉग नहीं तो नहीं करवाते? बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं है मनु भाई से? जब उसका लड़की मेरा घर में आ गया था, मेरा उसका कर्तव्य मेरा कि उस लड़की को इस घर में सुरक्षित से, हम इंसान हैं, इंसान का काम होता है कि ने दूसरे को सहायता करना। जब उसका लड़की मेरा घर में आ गया था, मेरा उसका कर्तव्य मेरा कि उस लड़की को इस घर में सुरक्षित से रखना है। अच्छा, कानून के द्वारा जो है जो भी प्रतिक्रिया दी जा रही है, जो भी कार्रवाई की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि कानून से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, कानून से तो यहाँ बिहार का स्थिति बहुत ख़राब है। हाँ, यहाँ का जो है पुलिस प्रशासन एक मतलब बिक जाते हैं, दलाली करते हैं एक तरह का। लेकिन फिर भी हमको जो है ना कुछ सुविधा हमको मिला, बहुत जल्दी सबको गिरफ्तार कर लिया और सब अभी जेल के अंदर में है। तो अररिया भी रिजेक्ट हुआ है और हाईकोर्ट भी 5 आदमी के रिजेक्ट हो चुका है। तो प्रशासनिक जो भी कार्रवाई हो रही है उससे आपको इंसाफ मिल रहा है? हाँ, उससे थोड़ा हमको इंसाफ मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है, जब उन लोग को सजा हो जाता है तब हमारा दिल में तसल्ली होगा कि नहीं हमको इंसाफ मिल गया है। देखिए, अभी जो है ये जो घटना घटित हुए एक साल भी नहीं बीता है और मनु और आरती की शादी होती है। शादी न हो तो भी समाज सवाल उठाता है और अगर शादी कर दी जाती है तो भी समाज सवाल नहीं उठाता। समाज देखिए सब दिन इसका सहायता किया है, लेकिन कुछ आदमी उसमें सब दिन कहने लग गया कि तुम्हारी लड़की को अपने घर में किस हैसियत से रखे हैं। मीडिया भी आते थे तो मीडिया भी सवाल हमसे करते थे कि आप तुम्हारी लड़की को अपने घर में किस हैसियत से रखे हैं। आरती को भी पूछते थे क्यों आप इस घर में कब शादी करिएगा। अच्छा, जब शादी हो जाती है दोनों लोगों की तो वही मीडिया और वही कुछ लोग जो है ये सवाल करने लगते हैं कि बिना बताए शादी क्यों कर ली। देखिए, फिर हम समाज से इस बात का हम सबको समाज को बुलाए, सबको पूछे कि अब देखिए समाज में ऐसा ऐसा बात निकल रहा है, क्या करें हम। हाँ, तो समाज का कहना हुआ कि शादी अभी तुरंत किया जाए। हाँ, एक घंटा के अंदर में बात हुआ समाज से। हाँ, तुरंत एक घंटा के अंदर में शादी करवा दिया गया। हाँ, इसी गांव में बगल में मंदिर है। हाँ, आनंद भगवान का मंदिर है, उसी मंदिर में शादी सब समाज मिल करके खड़ा होकर के शादी करवा दी है। यानी कि पूरे आपका जो गाँव है, गाँव के सभी जो है सम्मानित लोगों से आप बातचीत किए, राय मशवरा किए, राय मशवरा करके आरती और मनु की शादी किए, तो कहीं ना कहीं ये जो है सबको जानकारी तो प्राप्त हो गई। जी जी, हाँ, गांव का आदमी सब जानते थे, लेकिन कितना मीडिया जो ये उल्टा किया है उन लोग को कहना हुआ कि हम लोग को क्यों नहीं खबर करें। लेकिन खबर कैसे करते, एक घंटा के अंदर में पता बराबर हुआ और हम लोग शादी तो शादी किए तो क्या अच्छा हमने किए क्या? कहे नहीं, बिल्कुल सही है। कभी ना कभी आरती की या फिर मनु की तो शादी होनी ही थी। जी जी, कहीं ना कहीं आपको इस मनु का शादी और कहीं लगा था। हाँ, कपड़ा लगता बहुत चीज़ सारा सामान यहाँ दे दिया था, लेकिन हम ये सोच करके कि हम आरती फिर दूसरा घर में हम कैसे उसको भेजेंगे, क्यों नहीं इस घर में हम उसको रख ले, यहाँ सुरक्षित रहेगा, कोई तरह का दिक्कत होने हम नहीं देंगे, इसलिए हम मनु से सोच करके शादी की है। लेकिन यहाँ तो एक बात स्पष्ट होती है और इसको हम भी मानते हैं और सभी दर्शक भी मानेंगे कि आपके परिवार का जो है दिल बहुत बड़ा है कि एक लड़की को जहाँ मतलब आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाता है जाकर के, उसी परिवार की एक लड़की को आप ले आकर के सुरक्षित रखे हुए हैं, तो उस परिवार को भी आभार ये मानना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए, लेकिन वो लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहता है। उस परिवार का जो सौ संबंधी का लोग है। हाँ, कहता है कि से आरती को उठा लेंगे, गोली मार देंगे। हाँ, हमेशा ये ऐसा बकते रहते हैं। हाँ, अच्छा चाचा, लेकिन फिर भी हम किसी का धमकी से अभी तक नहीं डरे हैं, क्योंकि हमको समाज सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। वीडियो बनवाया जाता है, ब्लॉगिंग करवाई जाती है, इससे पैसे अर्न हो सके, तो इस प्रकार का है। तो हम आरती जी से बात करेंगे कि ऐसा कुछ है क्या। तो आरती जी, आपकी मतलब मैंने कुछ समय पहले सुना था कि कुछ तबीयत वगैरह खराब नहीं चल रही है, अभी भी आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है आपको? मतलब चक्कर वक्कर आके गिर गए थे? बहुत अच्छा आरती जी, आप अपना ख्याल रखिए और जो भी आपकी तबीयत वगैरह खराब हो रही है तो समय समय पर आप इलाज लेते रहिए। अभी आपके ससुर साहब में जो भी परेशानी है आप इनको बताइए, ये सुनेंगे। और बाकी हम सभी लोग हैं, अगर आपको सोशल मीडिया में कोई ट्रोल करता है या किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप बताइए। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, करीबन 1500 किलोमीटर की दूरी है और मैं यहाँ आया था, तो मैंने कहा चलो एक बार आरती से मिल लेते हैं। बाकी पहले आपकी वीडियो तो हमने बहुत सारे देखे, जो आपके साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, और जो आने वाला समय है उसकी हम अच्छे दिनों की कामना करते हैं कि आपकी सभी चीज़ें सही हो जाएं। बस थोड़ा सा एक सवाल था कि कहीं मनु भाई आपसे जबरदस्ती ब्लॉगिंग नहीं तो नहीं करवाते? बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं है मनु भाई से?
तो चलो अभी आरती की है इस समय थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब, इसके लिए आरती की थोड़ा कम बोल पा रही है, बाकी ठीक है। आते 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 रहेंगे हम समय समय पर और आरती जी से हालचाल पता करते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और बाकी अंकल जी हैं, अंकल जी हम आपसे यही कहते जाते हैं कि भले कुछ भी है, बच्चा है मन, बाकी आपको संभालना है इस प्रकार का कोई, बिल्कुल हम कभी कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ देखो क्या होता है, देखिए सब दिन हम चाहते हैं कि से आपकी ये इस घर में खुश रहे, उनको ये मतलब एहसास नहीं हुए कि हम अपना घर में नहीं है। ये देखो क्या है, बच्ची है, क्योंकि आप तो ये घर का जो गार्जियन वही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उन्हीं को घर चलाना है आपके आगे, उनको घर चलाना है। बिल्कुल, तो आपका यही है कि मनु भाई को अगर बाई चांस ये दोनों झगड़ते भी हैं, बाकी होता है नहीं, नहीं 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 ऐसा झगड़ा कोई होते नहीं है, दोनों बिल्कुल खुशहाल रहते हैं। तो इन लोगों को आपको समझाना है कि बेटा इस प्रकार से चलो, ये सारी चीज़ें हैं आपको, वो ज़्यादा इनको ओढ़ने भी नहीं देना है, अपने हिसाब से आपको ही चलाना है घर को। तो ठीक है, इस वीडियो को भैया हम यहीं पर एंड करते हैं और जो भी है आप सभी लोग कमेंट के हिसाब से करते रहिए और आरती जी का जो चैनल है उनको सपोर्ट करिए, सपोर्ट इसके लिए करिए कि समय उनका ख़राब रहा, आने वाला समय अच्छा हो। और हम ये थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि आरती को और मनु भाई को एक छोटा सा बच्चा मिल जाए जिससे उनका मन आपका लगा तो, है। ये तो परमात्मा का देन है, क्या देते हैं तो वही देंगे। नहीं नहीं देंगे, वो तो आने वाला समय है, वो तो सबको होगा, पर उसमें क्या रहता है ना, एक मन लगा रहता है, जैसे बच्चा रहता है ना, तो आप भी खेलते रहेंगे जो आने जो मतलब बीता हुआ कल है उसको भूल जाएंगे बच्चे में, ये सारी चीजें हो जाती है। देखिए तो ये तो परमात्मा का देन है, वो देंगे तो जरूर। ठीक है, आप सभी का स्वागत है, आप सभी हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें।